बिहार में पहली बार हो रहे बॉल एंड डेक हॉकी खेल की शुरुआत पटना सिटी के इन्फेंट जीसस स्कूल में हुआ, जहां बच्चों ने जमकर इस खेल में रुचि दिखाते हुए भाग लिया और अपनी प्रतिभाओं से इस नए खेल को देखते ही देखते अपना बना लिया। बता दें कि विश्व की सबसे पुरानी खेलों में एक हॉकी ज्यादातर आइस स्केट्स पर खेला जाता है, जहां दुनिया के करोड़ों लोग इस खेल का खूब आनंद लेते हैं। बॉल हॉकी, डेक हॉकी, हॉकी बॉल, हॉकी जबल और स्ट्रीट हॉकी वही पुराने जमाने में गेंद के साथ हॉकी नाम से प्रचलित ज्यादातर लोग बर्फीले जगहों पर ही खेलते थे, पर अब मैदानी इलाकों में साधारण फर्श पर भी खेलने को लेकर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्राप्त कर खिलाड़ी देश विदेश में पदक जीत रहे हैं। बिहार के डेक हॉकी के प्रेसिडेंट पिंटू कुमार के सहयोग से पटना सिटी स्थित इन्फेंट जीसस स्कूल में 2 दिवसीय आयोजन हुआ, जहां डेक हॉकी के नेशनल एशिया चीफ गौतम कंबोज और वाइस प्रेसिडेंट एशिया गुरिंदर सिंह ने आयोजन से पूर्व खिलाड़ियों से मिलकर प्रोत्साहित किया। वहीं बॉल एंड डेक हॉकी खेल को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। साथ ही आयोजन में आए मयंक गुप्ता पदक बिहार ने भी बच्चों के विशेष रुचि पर सराहना की। बता दें कि कक्षा 6 से 12 वर्ष के बच्चों ने भी बॉल एंड डेक हॉकी में भाग लिया, जहां विजेताओं को अतिथियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। डेक हॉकी जो है एक बहुत ही अच्छी और बढ़िया गेम है, ये जो आइस हॉकी के साथ मिलती जुलती गेम है। जब फॉरेन में जब ये आइस का सिस्टम खत्म होता है तो सारे जो कैनेडियन यूरोपियंस हैं जो भी प्लेयर्स हैं और वो सभी ये डेक हॉकी खेलते हैं। ये बड़ी सिंपल सरफेस पे कोटा स्टोन वगैरह जैसे रिबन का जो सरफेस होता है उस पर खेली जाती है। 3 vs 3 खेली जाती है। ये 3 प्लेयर इधर होते हैं, 3 और एक एक गोली होता है। तो बहुत ही अच्छी गेम है। तो हम आज यहाँ बिहार पटना में आए हैं इस गेम को प्रमोट करने के लिए। यहाँ हमारे जो पिंटू जी हैं जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन बच्चों को हम बताने आए हैं कि ये गेम बहुत ही अच्छी गेम है, इन फ्यूचर में बच्चों का बहुत ही ज्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा, क्योंकि ये नई गेम होने के कारण अभी ज्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा इन्होंने हमने जो गेम को आगे डेवलप किया है, हमारे जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल लेवल तक जो चैंपियनशिप खेलकर आ रहे हैं। लेटेस्ट में भी अभी जो यूनेस्को के अंदर यूनाइटेड वर्ल्ड गेम्स होने जा रही है, उसमें इंडिया टीम है जो अंडर 15 रिप्रेजेंट कर रही है। तो बहुत ही अच्छी गेम है ये। तो मैं सभी लोगों को, प्लेयर्स को जो अपने गेम को गेम्स लवर्स हैं, उनको मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस गेम के साथ जुड़िए और अपना भविष्य को और भी उज्जवल कीजिए। और यहाँ पे बच्चों ने देखा बहुत अच्छा रुझान है बच्चों का, काफी बच्चे यहाँ हमारे बिहार डेक हॉकी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कल बल की शुरुआत करेंगे और हम पिंटू जी का, भैया का और अपने स्कूल प्रशासन का बहुत ही धन्यवाद करते हैं यहाँ डेक हॉकी की शुरुआत करने। ये एक नया गेम है जो पूरे विश्व में खेला जाता है। मुझे भी लगभग 2 बार जा चुके हैं उनके नेशनल गेम में, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बच्चा जो खेला वो भी मतलब इस गेम को मोटिवेट किया, बोला बहुत अच्छा गेम है, मैं भी खेलूंगी। तो मुझे लगा कि मुझे भी बिहार में कुछ करना चाहिए बच्चों के लिए। तो मैं बच्चों से मिला, स्कूल से मिला और अब लग रहा है कि बिहार में ये गेम अच्छा खासा चल रहा है। हाँ जी नमस्कार, मैं प्राचार्य इन्फेंट जीसस स्कूल। आज सर दो सर हमारे यहाँ पटियाला से आए हैं, उन लोगों ने बच्चों को बताया कि डेक हॉकी कैसे खेला जाता है। करीब हमारे स्कूल के 40 बच्चे हैं, क्लास 9 से 12 के बच्चे हैं, 20 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। वो इस गेम के बारे में काफी उत्साहित थे, उनके बारे में कोई जो भी इंफॉर्मेशन है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे खेला जाता है, क्या इक्विपमेंट यूज होता है, उसको दोनों सरों ने दिखाया। और ये बच्चे जो भी हैं यहाँ पे आएंगे और कुछ देर प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये कंपटीशन है वो हमारे स्कूल में हो जाएगा। उसके बाद जो भी देखे कितने जागरूकता है बच्चों में, अगर उनको ये गेम पसंद आया तो देखने की हम इसको अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।